Got it, got it, got it. ठीक है, quickly. So again, like Ketan bhai has already narrowed down the persona for me. The persona for now is 95 percentile plus for the first what do you say, the first point of discussion. ठीक है, how you are going to be approaching your VARC what do you say prep. So what you need to be focusing right now is on कि आपका strategy is it finalized or not, right? So like how people would be questioning me say in August or September कि सर VA पहले ले या RC पहले ले, राइट? एंड हाउ डू वी इवन गो अबाउट इट, डू आई एक्चुअली गो थ्रू द एंटायर पेपर एट दिस पॉइंट ऑन 4th of November. बाय दिस पॉइंट योर दैट स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी इन प्लेस बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू बी प्रैक्टिसिंग नॉट ओनली ऑन योर मॉक्स बट अभी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आप प्रीवियस ईयर के कैट पेपर्स का भी व्हाट यू से देना मॉक देना चालू कर दोगे, True. राइट? सो दैट्स वेयर द प्रॉपर एप्लीकेबिलिटी ऑफ हाउ योर स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू स्केल फाइनली ऑन दैट डे, यू नो, उसका ट्रू पिक्चर आपको सेंस अभी दिखेगा. सो 95++ जो भी एम कर रहा है जस्ट वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी एंड नथिंग एल्स. एंड जहां पे भी एंड लाइक वन नॉन नेगोशिएबल था एंड दिस माइंडसेट आई वुड एक्चुअली व्हाट यू से एट्रीब्यूट टू केतन भाई ओनली. उन्होंने ये सेट कर दिया था राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द प्रेप कि VA जो है वो आपका स्कोर बूस्टर है, ठीक है? RC में हो जाता है बट VA जो है वहां पे आपका जो 10 क्वेश्चन है वहां पे ही सबसे ज्यादा स्कोर बूस्ट होगा, ठीक है? एंड दैट एक्चुअली स्टैंड्स ट्रू, राइट? बिकॉज RC द नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इट कुड बी देयर आर टू मेनी, राइट? बिकॉज मे बी द टॉपिक ऑफ द RC दैट दे हैव गिवन टू यू इज नॉट इन द कंफर्ट जोन ऑफ द टॉपिक दैट यू आर यू नो यूजुअली यूज टू, राइट? अगर आप मे बी बायोलॉजी स्टूडेंट हो एंड मे बी वेरी फिजिक्स ओरिएंटेड ये आगे RC आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि फिजिक्स ओरिएंटेड स्टूडेंट्स होंगे, मोस्टली इंजीनियर्स होंगे, उनको वो कंफर्टेबल लगेगा, राइट? सो देयर इज नॉट अ लॉट देयर दैट यू कैन डू, देयर इज जस्ट फ्यू स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाइंग द इजी क्वेश्चन दैट यू कैन एक्चुअली अप्लाई देयर. बट विथ रिस्पेक्ट टू VA इट इज ओनली एंड ओनली योर प्रैक्टिस ड्रिवन एंड स्किल ड्रिवन, हाउ मच लाइक आपने कितना उसको प्रैक्टिस किया है, उसके अलावा उस पर ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं जाती है. एंड Also, props to CAT. They don't experiment a lot with the number of or the type of questions in VA that they. True. Unlike maybe in CET or even SNAP, they have a lot of variation. आपको काफी कोई दूसरे दूसरे what you say topics में से आ सकते हैं, right? So please focus on VA. वहाँ पे you're not just focusing now on say your accuracy, but also now starting to scale your attempts, right? So अगर आपका पहले maybe 5 जाता था तो आपको I'm not saying कि LOD देखे बिना ही अटेम्प्ट करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अभी टाइम आपका व्हाट यू से एट्रीब्यूशन टू योर VA सेक्शन शुड बी जुडिशियस, राइट? सो राइट नाउ ओनली इन द चैट बॉक्स आई रेड दैट VA के लिए टाइम नहीं मिल रहा है या VA में ज्यादा टाइम जा रहा है या RC के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. सो दिस इज द टाइम दैट यू नीड टू वर्क दैट आउट ऑल्सो बिकॉज ट्रस्ट मी द आउटकम ऑफ VA इज जस्ट दिस कि आपका कितना स्किल हुआ, आपका कितना प्रैक्टिस हुआ है. सो दीज टू थिंग्स, finalize your strategy and focus on scaling your VA right now. RC आपका हो जाएगा at this point. यहाँ पे ना एक छोटा example देना चाहूँगा. अभी आपने VA का बात किया, so मैं सब बच्चों को बोलना चाहूँगा. I think most of them have seen Gaurav, and मैं उस दिन गौरव से बात कर रहा था. So गौरव ने मुझे ये कहा कि गौरव का सबसे weak area था verbal. He is God in DILR. He is God in quant also. But मुझे गौरव कहता था कि सर मेरा verbal बहुत ख़राब था, मुझे डर लग रहा था कि मेरा verbal ठुक जाएगा. So गौरव ने ये आइडिया यूज़ किया कि गौरव ने भाई verbal ability के questions पे ज़्यादा काम किया. In 21 he got 8 on 8 correct, all correct. So that 8 on 8 gave him a head start. Correct. And ऊपर RC में ना उसने कुछ 6-7 question करे with good accuracy. उसका final score जो था वो था 99.07, which he also could not believe, and that gave him 99.99 के ऊपर. So having said this ना by Manohar sir also, guys, आपको ये मेक श्योर करना है आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे रहो, अगर आपको 80, 90, 95, 99, 99.90 जाना है आपको वर्बल एबिलिटी करना पड़ेगा. ऑल्सो रुशाली भाई, आई एम नॉट श्योर यू हैव टेकन हर GDPI और यू हैव स्पोकन टू हर एवर. रुशाली मेरिट हूँ, आई एम अहमदाबाद, ठीक है? एंड अगेन उसका क्या था कि उसका क्वांट्स काफ़ी वीक था, साइकोलॉजी की बच्ची थी, DILR फाड़ दिया एंड वर्बल में 99.90, ठीक है? आउट ऑफ दैट 99.90 वर्बल एबिलिटी ऑल करेक्ट,
एंड इट्स इजी, इट्स डूएबल, कुछ करना, नहीं है, चार पांच लाइनें हैं। अगर अगले 20 दिन भी अगर तुम बैठ के पूरा वीडियोस लगाते हो ना, थोड़ा मेहनत करते हो, आप आराम से निकाल लोगे भाई। और ना ज्यादा से ज्यादा दो दिक्कत के क्वेश्चन होंगे, अगर 8 या 10 क्वेश्चन होंगे ना, नॉट मोर देन 2 to 3 क्वेश्चन जो आपको, जहाँ पे आपको दिक्कत होगा, दिक्कत भी कैसा, पैराजम्बल्स में आपको ऑब्वियस सा स्टेटमेंट तो मिल जाएगा, मे बी फाइनल 2 or 3 या 3 or 2 में वो डिफिकल्ट पड़ सकता है, अदरवाइज देर इज नो चांस कि आपका वर्बल छूटे नहीं। एंड इट्स ऑल्सो टाइम ऑप्टिमाइज, एंड ऑल्सो एज केतन भाई जस्ट पॉइंटेड आउट, दिस ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड फ्रेमवर्क ऑफ इन माइंड कि आप RCs को देखो accuracy perspective से and VA को देखो scalability perspective से। True, very good. So that would be very helpful for you on the final day. Perfect. भाई most of the students ना are gunning, let's say for 99, they always have this problem कि यार sir मैं जब attempts बढ़ाता हूँ, because I'll quickly give you score versus percentile. Last year 14 all correct. Honestly, let's say 39 पे .99 था भाई, ठीक है? सो 14 करेक्ट नेट नेट, फिर आप ऊपर 20 लगाओ 22 लगाओ वॉट एवर इट इज, काट कूट के भाई, इफ यू गेट 40 का स्कोर ना, रॉ स्कोर, यू आर 99th परसेंटाइल इन वर्बल। सो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम अभी ऐसा है कि नाउ दे आर फीलिंग दैट कि अगर मैं अपना 20 तक खींचने की कोशिश करता हूँ, 8 वर्बल एबिलिटी और 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई वांट टू टच एट एनी कॉस्ट, माई एक्यूरेसी गोज ऑन अ टॉस, करेक्ट, एंड if I take care of the accuracy, I kind of then fumble with respect to the number of questions that I need to attempt. And what happens na bhai, the problem is that in the industry overall, people have been saying that 20 maro, 20 maro out of 24 if you want to get 99, but that's not correct. Yeah. You know, we work on a different model altogether. So I want you to tell the kids ki aapko kaise manage karna hai, agar aapko maan lo 14-15 question lagane hai 99 ke liye, क्या प्रायोरिटाइज करें, एक्यूरेसी या फिर अटेम्प्ट्स? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, देयर इज नो इवन लाइक नो डाउट अबाउट दिस कि आपको क्या करना है। सो आई विल जस्ट गिव यू अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट गाइस कि सी, सो अप अंटिल नाउ दिस इज बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन कि आपने अपने मॉक्स में तुक्के नहीं डाले हो, ठीक है? सो दैट्स बेसिकली नॉट मडिंग द एक्सपेरिमेंट, बेसिकली आई एम कॉलिंग द मॉक्स दैट यू हैव गिवन एन एक्सपेरिमेंट, ओके? सो बेसिस दैट, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्गर है, ठीक है? तो जो सेक्शन जहां पे आपका स्ट्रॉन्गर होगा वहां पे फाइनल डे पे रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? दैट इज द प्लेस दैट इवन आई यूज टू डू, ठीक है? वहां पे, यहां पे मुझे लग रहा है, एंड मुझे अगर लग रहा है यहां पे 60-70% चांस है कि आंसर हो सकता है, दैट ओनली 30% चांस है कि दूसरा हो सकता है, देन आई डू टेक दैट रिस्क। नाउ वेयर विल यू टेक दिस रिस्क इज इन द सेक्शन दैट यू आर डोमिनेंट इन, ओके? आई वॉज डोमिनेंट अक्रॉस माई मॉक्स इन VARC. So I would take my risk, and my what is automatically my number of attempts would be higher than any average ones, ठीक है? But same thing would not be applicable for me in QA. QA में मेरा speed slow था, जबकि जो other students जिसके against मैं जा रहा हूँ, उन्होंने maybe JEE के लिए prep दिया होगा, right? Maybe उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी QA में, not even discarding that, right? There are possibilities over there. राइट, सो इसके लिए यहाँ पे आपको वो जुडिशियसली ले सकते हो कि यहाँ पे मुझे मे बी टारगेट करना है कि यहाँ पे इतना ज्यादा ट्राई तो करूँ टू अटेम्प्ट, बट दिस शुड नॉट गो बियॉन्ड द LOD ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन, एंड वो बहुत एविडेंटली आ जाएगा, राइट? लाइक वी ऑलवेज व्हाट यू से दैट कैट में यूजुअली VARC में RCs में दो RC तो ऐसे रहते हैं जो इजी टू रीड भी होंगे, इजी टू व्हाट यू से डिसिफर भी होंगे, एंड क्वेश्चन भी इजी होगा। अच्छा देखो अभी ना बच्चों, ये मनोहर सर ने भी बोल दिया, मतलब मैंने भाई इनको बोला है दो RC इजी आते हैं, एंड अगेन आप देखोगे मनोहर इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, मतलब भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पकड़ के चलो दो RC डूएबल होंगे ही होंगे। हाँ, ओ डी भाई, अगर अगर वो दो RC आपको नहीं दिख रहे इजीली, हाँ, तो आपको समझ जाना है कि LOD ऑफ द पेपर इज ऑन अ लिटिल मोर डिफिकल्ट साइड, तब आप अपॉर्चुनिटीज कहाँ ढूंढोगे, क्वेश्चंस में, बिकॉज अनदर हाइपोथेसिस व्हिच इज वेरी पेटेंटेड बाय C2C इज अगर RC डिफिकल्ट होगा ना तो क्वेश्चंस इजी होंगे, yes. ये होता है, ये हमेशा होता है, बिकॉज yes. RC ही नहीं समझ रहा है तो आपको क्वेश्चन इजियर दे देते हैं, तो यूजुअली क्या था, आपका मोराल टूट जाएगा, वाइल रीडिंग की है तो कुछ नहीं समझ रहा है, बट वेन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट, यू स्टार्ट रियलाइजिंग, ओ माई गॉड, आई हैव जस्ट वेस्टेड माई टाइम, यू नो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस वन लाइन विच आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मे बी और टू लाइन जहां पे मेरे को कुछ समझ ही नहीं रहा क्या। सो दैट्स वॉट द ट्रिक इज, यूजली ये ट्रिक के बाहर जाता नहीं है, ये फ्यू ट्रिक पोनी है कैट, उससे आगे बाहर नहीं जाएगा, सो डू कीप दैट इन माइंड। ये डेली बेसिस पे कितना RC करना चाहिए इनको, बच्चे पूछते हैं भाई, मतलब कि डेली बेसिस पे कितना करें, 4 करें, 5 करें RC,
कैसे करना है? डेली बेसिस पे ना भाई, अभी तो नवंबर स्टार्ट हो गया राइट, सो क्या कर सकते हैं कि इफ वीएआरसी इज अ पर्टिकुलर व्हाट यू से पेन पॉइंट फॉर यू एंड इफ इट्स समथिंग दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद देन मे बी गिव अ सेक्शनल ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. व्हाट आई वुड डू इज नवंबर में एवरी ऑल्टरनेट डे मेरा मॉक चला जाता था बिकॉज हे कितने 20 दिन है, मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे भी मैं अगर दूंगा तो 10 मॉक जाएंगे. दैट्स अ डूएबल थिंग एटलीस्ट इन द लास्ट मंथ ठीक है. एंड एवरी ऑल्टरनेट डे जहां पे आई एम नॉट टेकिंग एनी मॉक, व्हाट आई वुड डू इज आई वुड गिव मे बी अ सेक्शनल ऑफ अ पर्टिकुलर वर्टिकल दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद. मे बी आई एम नॉट फीलिंग टू कॉन्फिडेंट अबाउट डीएलआर, देन आई वुड फोकस ऑन डीएलआर एंड डू द एनालिसिस ऑफ द मॉक दैट आई हैव गिवन द प्रीवियस डे. सो दिस इज सम प्रैक्टिस दैट यू कैन डू. अगर आपका कंफर्टेबल नहीं है वीएआरसी में सो एक दिन आप पूरा मॉक दे देना, उसका एनालिसिस करना, नेक्स्ट डे आप सेक्शनल्स होगे उसका एनालिसिस करोगे एंड अगर वीए में कहीं पे है तो वीए के आप 5 से 10 क्वेश्चन करना चालू कर दो. बट यहाँ पे अभी आइसोलेटेड प्रैक्टिस करने में कोई मतलब नहीं है भाई, कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एक मॉक एवरी डे दोगे तो उससे कुछ वैल्यू एड होगा नहीं, बिकॉज इट्स नो लॉन्गर अबाउट यू व्हाट डिक्रिप्टिंग व्हाट द आरसी इज ट्राइंग टू से. इट्स अबाउट आर यू एबल टू डू इट इन दैट स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम राइट. वो टाइम फैक्टर अगर नहीं होगा तो द व्हाट यू से एसेंस ऑफ योर प्रेप विल कंप्लीटली गेट डाइल्यूटेड इन द लास्ट मंथ ऑफ योर प्रेप. राइट नाउ द टाइम फैक्टर शुड बी देयर. भाई यू आर गॉड ऑफ बकेटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है. डीएलआर में भी यू आर गॉड एट इट एंड इवन इन वर्बल में यू आर गॉड एट इट. बाय द वे जस्ट जस्ट टू गिव यू गाइस लिटिल आइडिया, जो भी बच्चा लोग हमारा डैशबोर्ड का मॉक अभी यूज कर रहे हैं, आई हैड अ वर्ड विथ अमित भाई यस्टरडे. अमित कंडपाल करके हमारा एक स्टूडेंट है, लास्ट ईयर उसने 99.24 फोड़ा है कैट में, ठीक है. फुल टाइम बच्चा है, ही इज़ गनिंग फॉर एबीसी, तो वो एबीसी के लिए वापस रिपीट मार रहा है. टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस इस बार उसका हो जाएगा. तो उसने मुझे जब एनालिसिस दिया डैशबोर्ड वाले मॉक का, तो गाइज उसने मुझे कहा कि डैशबोर्ड वाली मॉक में वो एक मतलब नॉन इंजीनियर होने के बाद भी क्वांट्स तगड़ा है, वर्बल उसका थोड़ा सा वीक एरिया पे है. तो वो कहता है कि मैं हर मॉक में बकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वर्बल में, प्रिडोमिनेटली आरसीज में, और मेरा स्कोर शूट अप होता है, मेरी एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया है. सो भाई जो बच्चे हैं, मतलब लास्ट टू क्वेश्चंस फॉर यू, कि बकेटिंग इन लोगों को अभी प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर इनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है या फिर कॉम्प्रिहेंशन नॉट दैट ग्रेट, शुड दे बी डूइंग इट, शुड दे बी प्रैक्टिसिंग इट, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? So for people who are comfortable with say reading RCs, we are now only talking about VRC, not DILR. Yeah, only VRC, bhai. Only VRC mein bucketing kaisa rahega? I'll again say this that if you are comfortable with the language and if your reading speed is good, then bucketing is not going to add that much value to you. I'll tell you why. Yes. Because anyways आपको comprehend हो रहा है, ठीक है, answer questions भी आपको answer हो पाएंगे. जो answer जो questions आपको नहीं answer हो पा रहे, वो bucketing में भी नहीं निकलेंगे, ठीक है. Now talking about those guys जिनका VARC इतना ज़्यादा strong नहीं है and they take a little longer while reading the RC, the probability that you'll not be able to give a justified amount of time maybe for your you know penultimate or your last RC which is left in the paper is higher. Because you take a little longer to read, right? Just logical. कि आपको थोड़ा ज्यादा time लगता है तो maybe last RC के लिए आपके पास उतना time नहीं होगा. Then what do you do? Is then you directly jump onto the questions and try to identify those questions, right? And these are those objective questions wherein you can directly start keyword searching in the passage for your answer. That's how you can go about with your bucketing. Don't directly resort to it because अगर इसका आदत आपने right from the get go डाल दिया, जो यूजुअली बहुत बुरा हैबिट हो जाएगा राइट, दैट विल वर्क अगेंस्ट यू देन बिकॉज वो बकेटिंग का ही हैबिट बैठ गया, देन कॉम्प्रिहेंडिंग अ पर्टिकुलर व्हाट यू से आरसी एंड एक्चुअली मार्किंग द क्वेश्चन व्हिच आर सब्जेक्टिव वो कम्प्लीटली लूज आउट हो जाता है, ठीक है. यूज इट व्हेन यू डोंट हैव टाइम बट यू वॉन्ट टू सॉल्व द लो हैंगिंग फ्रूट बिकॉज दीज आर दोज फ्रूट्स और दीज आर दोज क्वेश्चंस व्हिच अदर पीपल अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डूइंग. सो दिस पर्टिकुलर द सेट दैट वेयर यू विल बी अप्लाइंग बकेटिंग इज नॉट टू स्केल योर स्कोर, it's to create parity with the other students. ठीक है, वो perspective से use करना. Cool है. I think so far so good by the way. So I think अभी मनोहर sir will start with the reading comprehension guys. And those who are gonna get us a call, मतलब आप एक bare minimum percentile लेके आओ, call आप लेके आओ, आपका हम अच्छा खासा करवा देंगे. And मनोहर remembers. By the way, जितने भी बच्चे SP Jain, IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Blackie, proper जो एकदम top 10 वाले colleges है, दे विल बी ट्रेंड बाय मनोहर भाई. एंड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मनोहर का के एस पी जैंस के लिए काफ़ी स्पेशल है. जो इंटरव्यू लेता है वो इंटरव्यूअर पूछ लेता है, गॉड नोज ये हर साल हुआ है
ये FFMS के लिए भी इसका हो चुका है एंड इवन फॉर ब्लैकीज. सो बच्चे बहुत प्यार करते हैं मनोज सर को एंड बिकॉज ऑफ हिम वी हैड स्टूडेंट्स हु कन्वर्टेड SPGENs एट 88% जनरल कैटेगरी जेम जनरल इंजीनियरिंग मेल 89%. सो आपको मेहनत करनी है अगले 20 दिन गाइज, कॉल लाना है, हम कन्वर्ट करा देंगे GDPI के लिए, उसका लोड नहीं है. कूल है मनोर भाई, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट. अभी दो दिन मनोर सर आपके साथ रहेंगे, आपके साथ वो आरसी करवाएंगे. सो प्लीज जितना सीख सकते हो सर से उतना सीख लो, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. ओवर टू यू.